देखिए, आज राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है और हमारी अगली कहानी यानी स्टोरी जो है वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यहाँ गणगौर का त्योहार चल रहा है और देखिए किस तरह गणगौर के इस सेलिब्रेशंस के थ्रू इस उत्सव के दौरान अबीरा ने कर दिया प्यार का इजहार अरमान से। गणगौर का त्योहार आ गया है। दुल्हन की तरह अबीरा सज गई है। उसने आज देखिए अरमान से कह दिया है कि मुझे तुमसे प्यार है। अब मैं फिलहाल तो मेरे कुछ एक ही ख्याल चल रहा है मेरे दिमाग में, वो है अरमान और उससे प्यार। और धीरे धीरे करके मुझे फीलिंग्स आने लगी है और उस बात का एहसास भी होने लगा है। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग है, करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है कि वो प्यार वाली फीलिंग फील करने में मज़ा आ रहा है बहुत। अब गणगौर के त्योहार के दिन अबीरा ने अपने दिल की बात अपने पति अरमान को बता ही दी है। वही शादीशुदा जोड़ा दोनों मिलकर मूर्ति बनाते हैं और आज अबीरा तो फूली नहीं समा रही है। अरमान का साथ उसे मिला है। दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की वो आज खुद को समझ रही है। मायके वाले भी आए हैं और अपनी बेटी रूही को यूं दुल्हन की तरह सजा देख बहुत खुश हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया है। रूही ने कह दिया है कि वो किसी से प्यार करती है। अब सभी जानना चाहते हैं कि वो लड़का है कौन। आज बता ही दे कि वो लड़का कौन, मैं तो कहता हूँ मिलवा ही दे उसे। तो वहीं अरमान परेशान है क्योंकि उसे लगता है कि अगर रूही ने सबके सामने अरमान का नाम ले लिया तो पूरे घर वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, अबीरा और उसके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। अरमान भी अबीरा के साथ बैठकर मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है बट बिकॉज ही इज सो लॉस्ट। रूही का जो अल्टीमेटम है कि 3 महीने में बताना है, प्लस होल द होल फैमिली इज हियर, मनीष जी इज हियर, तो उस चक्कर में अरमान को डर लग रहा है कि वो सबको बता ना दे क्योंकि सब अब उससे पूछना शुरू कर दिए हैं कि तूने कहा था कि तू बताएगी कौन है वो, तो वो कुछ बहाना लगाती है। देन ही आस्क्स कि नाम बता दे चल, तो अरमान को ये डर है कि वो सबके सामने कह ना दे। वहीं दादी साने ये कहा कि गणगौर की पूजा तो सुहागने करती है तो बहुत सारी रस्में रूही नहीं कर सकती है। अब इस बात के लिए अबीरा ने आवाज उठाई लेकिन अबीरा को क्या पता कि जिस रूही के लिए वो आवाज उठा रही है वही रूही अरमान को उससे छीनने वाली है। एक मोमेंट के लिए वो भूल जाती है कि अरमान उसका नहीं है और वो चुनरी की तरफ जाती भी है, बट देन उसे याद आ जाता है कि ये उसका हक नहीं है अभी। एंड फिर उसी के सामने जब अरमान अबीरा को चुनरी पहनाता है तो कहीं ना कहीं रूही को बुरा लगता है क्योंकि वो यही फील करती है कि मैं अरमान से प्यार करती हूँ, अरमान मुझसे प्यार करता है, उसके दिमाग में यही है। तो जाहिर सी बात है शी विल फील बैड, तो वही है थोड़ा सा पेन आँखों में दिखेगा। अब अबीरा जैसी है हम जानते हैं, जरूरत पड़ने पर वो मदद जरूर करेगी लेकिन उसे पता चलेगा कि वही इंसान उसे नुकसान भी पहुंचाने वाला है तो वो छोड़ेगी भी नहीं। जैसे इस वक्त वो कह रही है रूही को कि मेरे और अरमान की शादीशुदा जिंदगी से दूर रहो। अब इतना बड़ा त्योहार हो रहा है, घर में सभी सजे सवरे हैं, लेकिन क्या इनको इतना नहीं पता चलता है कि किसके बीच क्या हो रहा है।
एक किसको देखकर कौन क्या फील कर रहा है, पता नहीं इन सब की नजरों से इतना सब कुछ कैसे छूट जाता है। सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।